हम सेना के जवानों की भांति सीमा पर तैनात नहीं हैं और गोली बंदूकों का सामना नहीं करते। शायद इसलिए हमारी मौत पर हमारे परिवारों के अलावा रोने वाला कोई नहीं। नेताओं को अपना कोई राजनीतिक फायदा नहीं दिखता, शायद इसलिए वो भी हमारी मरघट पर रोने नहीं आते। मीडिया को खाली पड़े एटीएम और एटीएम के बाहर की कतार को दिखाने का बहुत वक्त है। उद्योगपतियों और कलाकारों की एक भी पार्टी की थोड़ी भी कवरेज छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास हमारे दुखों को बांटने का समय नहीं। हमारे सिपाहियों के लिए कोई ताबूत नहीं आया, पर इससे हमें कोई समस्या नहीं। चाहे चिलचिलाती धूप हो, बरसात हो या ठंड हो, दिन हो या रात हो, जमीन के अंदर जहां कोई धूप नहीं, कोई रोशनी नहीं, हम बस इसलिए काम करते हैं कि हम देश को उजाले में रख सकें। और भले ही हम अंधेरे में अपनी पूरी जिंदगी काट दें, हम शान से बिना किसी अपेक्षा के अपनी ड्यूटी में तैनात हैं और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। हमें दुख है, हमने कुछ जाबाज सिपाहियों को लाल मटिया खान दुर्घटना में उस वक्त खो दिया जब वे देश की सेवा में तत्परता के साथ जुड़े थे। मैं नहीं चाहता कि यह एक ब्रेकिंग न्यूज बने, 24 घंटे उसकी कवरेज हो और नेताओं के आने जाने का सिलसिला चलता रहे, लेकिन अगर आपको थोड़ा वक्त मिले तो उन जवानों और उनके लाचार परिजनों के लिए भगवान से दुआ कीजिएगा। उनको एक धन्यवाद के लिए जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें गर्व है कि हम खदानों में काम करते हैं और यह वादा करते हैं कि हम हर चुनौतियों का सामना पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहेंगे और मरते दम तक देश की सेवा से पीछे नहीं रहेंगे। हम आज भी कोयले का उत्पादन कर रहे हैं ताकि हमारा देश हमेशा विश्व के मानचित्र पर चलना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय खदान।